हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी आई होप ऑलफियर डूइंग ग्रेट ऑलफियोर फाइन एंड सेफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट टू इंक्रीज योर स्कोर इन एम एच सी डी फाइव ईयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम देखिए आपको पता होना चाहिए कि आप मॉक टेस्ट सिर्फ दे रहे हो और उसका सिर्फ स्कोर देखकर आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में तो नहीं आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा आपको अपने वीक टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे एंड देन आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप इन वीक टॉपिक्स पे काम करो तभी आपको स्कोर में इंक्रीज दिखेगा दिस एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एंड अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट ही नहीं सॉल्व किया तो ये बहुत बड़ी गलती है यू नीड टू सॉल्व मॉक टेस्ट राइट इंश्योर करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो है वो देख करके अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए नहीं हुए तो उनको फटाफट से कंप्लीट करो एंड कम टू द सेकेंड स्टेप ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट एनालाइजिंग एक साइड पर एंड दूसरी साइड पर आप लेफ्ट ओवर टॉपिक्स जो है वो साथ साथ निकालते रहो राइट right? अटैम्प्टिंग मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे डील करना होता है कि अटैम्प्ट कैसे करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राउंड में डी यू नो अटैम्प्ट करना होता है पेपर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ठीक है कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है तो वैसा ही आपको बिल्कुल हमारे मॉक टेस्ट में मिल जाएगा जैसे वहाँ पर होता है सेंटर में तो लॉगिरी डॉट इन पर आप जा सकते हैं और हमारे मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मोर सच वीडियोज हम आपकी एज अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम ही हेल्प नहीं करेंगे एज अ लॉ स्टूडेंट भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे तो उसके लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल इंटर्नशिप्स पेपर कैसे देने ये सब कुछ बताया जाएगा आपको इस चैनल पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पता चाहिए पैटर्न ऑफ द एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बहुत बच्चों को लगता है कि क्लैट जैसा तो नहीं होगा पैसेज और एंड ऑल नहीं आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पैसेज मिलेगा बाकी और कहीं पैसेज में मिलेगा नॉर्मल जो क्वेश्चन एम सी क्यू होते हैं वैसा सा ही आपका इसका पैटर्न रहता है देर इज नो नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग भी अटैम्प्ट करते हो तब भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे इसका मतलब आपको हंड्रेड परसेंट अटैम्प्ट करके आना है चाहे आता है या नहीं आता टू आवर्स आपको दिए जाएंगे इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लीगल एप्टीट्यूड जो आपका है वो फोर्टी मार्क्स का है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स थर्टी मार्क्स का है लॉजिकल एंड एनालिटिकल फोर्टी मार्क्स का है इंग्लिश जो है थर्टी मार्क्स का है मैथमेटिकल ऐप्टीट्यूड टेन मार्क्स का है टोटल पेपर वन फिफ्टी मार्क्स का है फ्रॉम वेय टू अटैम्प्ट डब्ल्यू 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 डॉट लॉगरी डॉट इन पर जा सकते हो सी बी टी मोड मोड मतलब कंप्यूटर पर आप जो हमारा पेपर है वो कंप्यूटर से लैपटॉप से डेस्कटॉप से फोन से कहीं से भी अटैम्प्ट कर सकते हो डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखिए आप ड्यूरिंग द डे ये सॉल्व करिए सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर लेट द नॉइज भी देर आपको नहीं पता आपके एग्जाम सेंटर में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगी या फिर बहुत बच्चों को जब एग्जामिनेशन जो इन्विजिलेटर होते हैं वो टाइमिंग बताते हैं तो आपको बहुत इरीटेशन होती है अगर नॉइज होगा तो आपको इरीटेशन कम होगी यू विल बी यूज टू योर ब्रेन विल बी यूज टू इन यू नो सॉल्विंग द क्वेश्चन इवन अगर बहुत ज़्यादा न्यूसेंस हो रहा है नॉइज हो रहा है यू नो कि आपको अपने सिर्फ पेपर पर पे फोकस करना है अपनी वॉच रखो नॉर्मल पुराने जमाने वाली आजकल वाली नहीं की पर नोटबुक में दियो नोटबुक में नोट करते जाओ जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आया अरे ये मुझे रिवाइज करना था ठीक है अरे ये तो मैंने करा ही नहीं है क्योंकि मेरे मार्क्स में हमने सिलेबस पूरा फॉलो किया गया है गाइडलाइंस पूरी फॉलो करी है अगर कोई क्वेश्चन है वहाँ पर इसका मतलब वो सिलेबस में है अब आपको चेक करना है कि वो इंपॉर्टेंट है नहीं है ये आपको चेक करना पड़ेगा बट हाँ सिलेबस फॉलो किया गया तो कुछ भी अगर आपको याद आ रहा है कि ये करना है कराना है वो देखकर वो आप अपनी नोटबुक में फटाफट से लिख सकते हो सब्जेक्ट वाइज अब यहां पर एनालिसिस करना है तो कैसे करना है देखो यार आप मेरे ख्याल से तो पेन पेपर वाला एनालिसिस करो देसी तरीके से तो बहुत ही सही रहेगा राइट तो यहां पर आपको क्या करना है एक टेबल बना लो ठीक है ना ऐसा सा यहां पर टॉपिक का नाम लिखते जाओ ठीक है ना उसके बाद पहले सेक्शन वाइज होगा ठीक है टॉपिक का नाम लिखते जाओ यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो लिखो और अगर कोई रिमार्क्स हैं तो वो लिख लो रिमार्क्स मतलब कोई चीज याद आ रही है मान लो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ठीक है वो था सीरीज का तो मेरे को सीरीज जो है जो मल्टीप्लीकेशन वाला कैटेगरी होता है ना उसमें दिक्कत आती है ठीक है मान लो ठीक है इनकरेक्ट है मल्टीप्लीकेशन और इनकरेक्ट वाले ही लिखेंगे तो ये मतलब मल्टी मल्टीप्लाई वाले में मुझे प्रॉब्लम है तो मैं ऐसा लगा लूँगी या तो मल्टीप्लाई लिख लूँगी ठीक है मैं ऐसा लिख लूँगी ताकि या, मुझे याद रहे आ, 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 आफ्टर द एनालिसिस कि ये वाली कैटेगरी में मुझे प्रॉब्लम है ठीक है कुछ नहीं भी अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आया डायरेक्शन सेंस टेस्ट का और वो था सिली मिस्टेक थी तो मैं लिख लूँगी सिली मिस्टेक क्योंकि फिर मुझे इसके ऊपर कुछ काम नहीं करना है कि ठीक है मुझे इंश्योर करना है कि डायरेक्शन से ऐसे इसमें सिली मिस्टेक कर देते हो वो मुझे नहीं करना है कोई एक्शन मुझे नहीं लेना सिर्फ दिमाग में याद रखना है यहां पर मुझे एक्शन क्या लेना है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लाई वाले जो क्वेश्चन हैं सीरीज में वो ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस करनी है मुझे इंश्योर करूँ कि मैं ये पैटर्न जो है मैं इससे यूज टू हो जाऊं ठीक है मान लो दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो सब्जेक्ट वर्फ अग्रीमेंट का आता है ठीक है ना आ, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैंने गलत कर दिया इनकरेक्ट है वो तो मैं यहां पे लिख लूंगी कि मैंने ये वाला टाइप करा ही नहीं है मुझे ऐसा पता ही नहीं कि ये वाला रूल भी है तो मैं वो लिख लूंगी टाइप रूल जो भी है वो लिखकर सो so दैट मैं ये बुक में ढूंढ कर अपना ये प्रैक्टिस कर लूं या इसको पढ़ लूं ठीक है ना और या फिर मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया प्रीएम्बल का ठीक है ना मैंने ये क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं था तो मैं लिख लूँगी न्यू क्वेश्चन ताकि मेरे को पता है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन याद करें मैं कहीं लिख लूँगी इसको कि हाँ ठीक है मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जहाँ से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है वहाँ पर लिख लूँगी और मेरा काम खत्म हो जाएगा मतलब कई एक्शन तो मेरे वहीं पर ही खत्म हो गए जैसे ये सिली मिस्टेक वाला जैसे नया क्वेश्चन है तो ठीक है हाँ मैंने प्याम्बल पढ़ा मैंने एम भी करे हैं ठीक है, है बट अब को, कोई क्वेश्चन हो सकता है मे बी टॉर्ट्स का क्वेश्चन आ गया ठीक है ना और अभी आपने लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं लगाए टॉर्च्स के नहीं लगाए तो आपको याद रखना है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे लगाने हैं ठीक है सो दिस इज हाउ यू एनालाइज एंड देन यू मेक अ प्लान ऑफ एक्शन ठीक है ना यहाँ पे तो इनकरेक्ट होंगे गैस वर्क तो है नहीं है पर अगर हाँ आपने गैस भी किया मतलब गैस वर्क में ये कि अगर तुक्का मारा है ठीक है तो आप लगा सकते कि guesswork हो कि गैस वर्क मारा बट इनकरेक्ट होगा ठीक है ना अब गैस मारा करेक्ट हो गया तो काम तो करना पड़ेगा ना तुक्का लग गया आज बट उस पर टॉपिक पे काम करना पड़ेगा तो यस आपका इनकरेक्ट गैस ये भी होना चाहिए और गैस होकर करेक्ट हो गया ना तो फिर आपको इंश्योर करना है कि आप वो टॉपिक मिस आउट ना कर जाओ दिस इज हाउ यू एनालाइज ठीक है और फिर जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा इसमें से आप निकालोगे प्लान ऑफ एक्शन प्लान ऑफ एक्शन में आप क्या निकालोगे कि भाई मुझे क्या क्या करना है सेग्रीगेट कर लोगे कि मुझे कौन सा टॉपिक जो है स्क्रैच से कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे बिल्कुल ही स्टार्ट से पढ़ना है या लेफ्ट ओवर टॉपिक है कि मैंने यू नो वो ही नहीं है तो उसकी लिस्ट बना लोगे एंड इंश्योर करोगे कि इंपॉर्टेंट वाले पहले कर दो और बाकी भी करने ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करना है दूसरे भी करना है अगर टाइम है तो ठीक है फिर उसके बाद कुछ रिवाइज करना है ठीक है मान लो आपको कुछ रिवाइज करना है तो वो लिख लोगे किसी चीज की प्रैक्टिस करनी है तो वो प्रैक्टिस कर लोगे एंड इंश्योर करोगे कि यह अपने शेड्यूल में डालो और उसको करो दिस इज वॉट यू हैव टू डू आफ्टर गिविंग अ मॉक टेस्ट ठीक है ना तो सिर्फ अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और सिर्फ स्कोर डिस्कस करो उससे नहीं होने वाला है यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो ठीक है अब यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं ठीक है इंपॉर्टेंट वाले पहले करने हैं बाद में वाले वो बाद में करो ठीक है प्लान ऑफ एक्शन में कैसे डिसाइड करो कि भैया रिवाइज करना है स्क्रैच से स्टडी करना है पूरा टॉपिक करना है कुछ पर्टिकुलर करना है इसकी एग्जांपल मैंने दे दी तुम्हें देखो यार सीरीज़ के अंदर मल्टीप्लिकेशन वाले गलत हो रहे हैं तो मैं सीरीज पूरा नहीं करूंगी मैं मल्टीप्लिकेशन वाला पूरा नहीं करूंगी मैं मल्टीप्लाई वाला पूरा करूंगी मैं बाकी और सीरीज़ मेरे सही हो रहे हैं तो मैं वो नहीं करूंगी बट मेरा मान लो सीरीज़ सारा ही गलत हो रहा है मेरे से लग ही नहीं रहा है तो मैं सारा सीरीज पढ़ूंगी बैठकर ठीक है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन मतलब अगर दस क्वेश्चन आए मुझसे सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन करेक्ट हुआ है भाई यहाँ पे दिक्कत है मेरे को पहले मैं रिवाइज करके देखूंगी अगर मेरा मॉक में नहीं स्कोर बढ़ रहा है मैं इसको जीरो से भी पढ़ूंगी फिर ठीक है दिस इज वॉट यू हैव टू डू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच कब करना है अगर कंफ्यूजन बिटवीन टू ऑप्शन हो रहा है मतलब कि कॉन्सेप्ट में दिक्कत है क्लैरिटी नहीं है ठीक है ना और या फिर नॉट येट कवर्ड है ठीक है और रिविजन कब करना है अगर बहुत देर पहले पढ़ा था पता है कि यार बहुत देर पढ़ा था नहीं याद आ रही है चीजें तो आप रिविजन कर लोगे रिविजन सेम सोर्स में से करनी है कुछ नया नहीं करना है अगर मान लो तुम नए स्क्रैच से पढ़ रहे हो तुम्हारा पिछले वाला जो बुक पढ़ा उसमें से नई क्लैरिटी आ रही है देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स कि हमने इस बुक में से पढ़ा था ये टॉपिक में सही नहीं है आप कोई और बुक सजेस्ट कर दो तो, तो देन आई सजेस्ट यू अ बुक सेम डे पे एनालाइज करो आपको बहुत चीज़ें याद रहती हैं पेन और पेपर यूज़ करो या एक्सेल शीट पे भी कर सकते हो नेक्स्ट मॉक अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ दिख रहा है तो वो विन है वो आप एक विनर हो अगर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज भी ही दिख रहा है ठीक है ना अपने आप से कंपैरिजन करो दूसरे से कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है ठीक है अगर आपके एक मॉक टेस्ट में 90 आए हैं 100 आए हैं 110 आए हैं और दूसरे बच्चे के 120 आए हैं और आप उसको कंपेयर करो कोई फायदा नहीं होने वाला दुखी मिलेगा खुद से कंपेयर करोगे कि हाँ पिछली बार नाइन्टी थे इस बार नाइन्टी एट है हाँ पिछली बार हंड्रेड एट थे इस बार हंड्रेड ट्वेल्व हैं तो वो विन विन सिचुएशन है आपका ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है आखिरी दिन तक आखिरी उस तक आपका एम क्या होना चाहिए मेरे 150 फिफ्टी आउट ऑफ वन आ जाए वो आएंगे नहीं बट एम आपका ये होना चाहिए ठीक है तभी आप मेहनत करोगे उसके लिए यू कैन नॉट इंक्रीज ऑल द मार्क्स इन वन डे एक दिन में नहीं आपको इतना वो दिखेगा धीरे धीरे इट इज अ प्रोसेस ठीक है कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं आपकी कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है कुछ फ्रेश वीडियो चाहिए रिविजन कैसे करें ये कैसे करेंगे ये टॉपिक कैसे करें कुछ भी यू कैन लीव अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद आस ऑन इंस्टाग्राम आर देर बाय द नेम एट आई एम लॉकरी दैट्स इट थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन बाय बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट